Hello students, today we will discuss about herbarium. A herbarium is a storehouse of dried and pressed plant specimens collected from different places. जो herbarium है वो storehouse है plant specimens का, जो different places से collect किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें press और dry किया जाता है, फिर उन्हें एप्रोप्रिएट सीट पर माउंट करके किसी नॉन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करके पिजन होल में रखा जाता है। तो ये पूरा हाउस जो है वो कहलाता है हर्बेरियम। स्पेसिमेन होल प्लांट और प्लांट पार्ट हो सकता है, और स्पेसिमेन को ड्राई करना है या किसी प्रिजर्वेटिव में, एल्कोहल या फिर किसी और प्रिजर्वेटिव में रखना है, ये डिपेंड करेगा प्लांट मटेरियल पर। हिस्ट्री ऑफ हर्बेरियम डेवलपमेंट। लुका घीनी जो कि इटली के हैं, उन्होंने हर्बेरियम प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 300 स्पेसिमेन उन्होंने कलेक्ट किए इन 1551 में। फिर उसके बाद उनके स्टूडेंट गेरार्ड सीबो ने प्लांट कलेक्शन और प्रेसिंग स्टार्ट की। लुका घीनी के स्टूडेंट गेरार्ड सीबो का हर्बेरियम अभी भी रोम में प्रिजर्व्ड है। हर्बेरियम वर्ल्ड टॉनफोर्ट ने दिया उनकी बुक एलिमेंट्स में। लीनियस ने सबसे पहले माउंटिंग स्टार्ट की प्लांट स्पेसिमेन की सेपरेट शीट्स पर। फील्ड एंड हर्बेरियम टेक्निक्स। बहुत सारी फील्ड एंड हर्बेरियम टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है हर्बेरियम प्रिपरेशन में। सबसे पहले प्लांट कलेक्शन किया जाता है और उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट कलेक्शन के बाद में उन्हें प्रेस किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। ड्राई होने के बाद उन्हें शीट पर माउंट किया जाता है। माउंट करने के बाद में स्पेसिमेंस की लेबलिंग की जाती है, और फिर इन सीड्स को किसी नॉन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करके स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद में इन स्पेसिमेंस का प्रिजर्वेशन किया जाता है। फर्स्ट स्टेप आता है प्लांट कलेक्शन एंड इट्स इक्विपमेंट। सबसे पहले प्लांट कलेक्शंस के रूल हैं, जैसे आपको फील्ड सर्च करना होता है कोई नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ से कि जो सूटेबल हो, जहाँ से कि प्लांट कलेक्शन किया जा सके। नेटिव और नेचुरलाइज्ड प्लांट्स का ही कलेक्शन करना होता है। अगर आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से प्लांट्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। जब आप कलेक्शन करें तब आपको देखना होता है कि जो प्लांट का आप कलेक्शन कर रहे हैं वो फील्ड में कितना प्रेजेंट है। अगर वो प्लांट सिर्फ 4-5 प्लांट ही प्रेजेंट हैं तब आप कलेक्शन ना करें, स्पेसिमेन कलेक्ट ना करें। अगर वो प्लांट वहाँ पर एबंडेंस में प्रेजेंट है तब आप प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन करें। मोस्टली प्लांट्स में स्प्रिंग और समर के टाइम पर फ्लावरिंग आती है, तो बेस्ट सीजन कलेक्शन का स्प्रिंग और समर सीजन है। मगर कुछ प्लांट्स में ऑटम या विंटर में भी फ्लावरिंग होती है, तो आप कलेक्शन के लिए ऑटम या विंटर में भी जा सकते हैं। द प्लांट शुड बी फ्रेश एंड नॉट वेट। प्लांट फ्रेश होना चाहिए मगर गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप एनुअल प्लांट का कलेक्शन कर रहे हैं तब आपको रूट, फ्लावर और फ्रूट्स का कलेक्शन करना होता है।
हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट का कलेक्शन करते हैं, तब आपको अंडरग्राउंड पार्ट्स का भी कलेक्शन करना होता है। अंडरग्राउंड पार्ट्स में बल्ब, राइजोम, राइजोट, ट्यूबर आते हैं। अगर आप पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट का कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको इन अंडरग्राउंड पार्ट्स का भी कलेक्शन करना होता है। अगर प्लांट पेरिनियल है तो आप उसके एक ट्विग या एक प्लांट का पार्ट ले सकते हैं जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही हो। नेक्स्ट है फील्ड इक्विपमेंट्स। फील्ड इक्विपमेंट्स में बहुत सारे फील्ड इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस वुड, प्लाईवुड और वुड और मेटल फ्रेम होता है जिसका साइज 45x30 सेंटीमीटर होता है, और इन प्लाईवुड शीट को बांधने के लिए स्ट्रैप और रोप्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड है ब्लॉटर। ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ किया जाता है फॉर प्लांट कलेक्शन टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर और मटेरियल। तो ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ हमारा जो प्लांट मटेरियल है उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। थर्ड है वेंटिलेटर्स। प्लांट प्रेस के शीट के और ब्लॉटर्स के बीच में कार्डबोर्ड शीट्स का यूज़ किया जाता है जो कि वेंटिलेटर की तरह काम करते हैं, जिससे कि एयर जो है वो प्लांट प्रेस के अंदर मूव कर सके। फोर्थ है डिगिंग एंड क्लिपिंग टूल्स। प्लांट को खोदने के लिए या काटने के लिए इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हैमर, कटर, नाइफ, डिगर एक्सेट्रा। फिफ्थ है वैस्कुलम। वैस्कुलम एक मेटेलिक केस है जो कि टिन या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। यह लाइट वेट होता है जिससे कि आप प्लांट कलेक्शन के टाइम इसे इजीली कैरी कर सकें। ये अंदर से वाइट पेंटेड होता है और प्लांट कलेक्शन के बाद में प्लांट्स को इसमें रखा जाता है जिससे कि प्लांट में विल्टिंग ना हो। सिक्स है हैंड लेंसेज। 5x और 10x लेंसेज का यूज़ किया जाता है। अगर कोई फ्लावर माइन्यूट है तो उसके ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए हैंड लेंस का यूज़ किया जाता है। कलेक्शन बैग्स एंड बॉटल्स। प्लास्टिक बैग्स और ग्लास बॉटल्स का यूज़ किया जाता है कलेक्शन के लिए। लिक्विड प्रिजर्वेटिव FAA, फॉर्मेलिन, एसिटिक एंड एल्कोहल का यूज़ किया जाता है प्लांट कलेक्शन के लिए। हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स हैंडमेड पेपर की बनी हुई होती हैं और इनका साइज 11.5x16.5 सेंटीमीटर होता है। 10 है फील्ड डायरी। हमें फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील्ड डायरी की होती है क्योंकि प्लांट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को फील्ड डायरी में नोट करना होता है। फील्ड डायरी में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है जिसमें आपको उससे रिलेटेड जो भी प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, जैसे कलेक्टर्स नेम, जिसने प्लांट कलेक्ट किया है उसका नाम, उसका सीक्वेंशियल फील्ड नंबर और किस डेट में कलेक्ट किया है वो नोट करना होता है। उसके बाद में वो लोकेलिटी जहाँ से प्लांट कलेक्ट किया है, फिर उसके बाद में प्लांट की इंफॉर्मेशन जैसे कि हैबिट और इकोलॉजी क्या है,
प्लांट का फील्ड आइडेंटिफिकेशन, अगर वहाँ फील्ड में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस फैमिली जेनस का प्लांट है तो वो लिखना होता है। स्टेम कैसा दिखाई दे रहा है, लीव प्लांट की कैसी है जो हमने एक प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसकी, इनफ्लोरोसेंस, फ्रूट, अंडरग्राउंड ऑर्गेन, सेंट, सैप और लेटेक्स, और उसका अगर कोई लोकल नेम और यूज़ है तो वो भी आपको फील्ड डायरी में नोट करना होता है। प्लांट कलेक्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेसिंग। प्लांट कलेक्शन के बाद जितना जल्दी हो सके हमें प्रेसिंग करनी होती है, क्योंकि अगर हमने प्रेसिंग ना की तो प्लांट में विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रेसिंग के वक्त प्लांट स्पेसिमेन में कोई भी फोल्डिंग और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए पार्ट्स की। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है कि लीव्स की दोनों साइड हमें दिखाई दें तो प्लांट स्पेसिमेन जो हमने कलेक्ट किया है उसमें कुछ लीफ की डॉर्सल सरफेस और कुछ लीफ की वेंट्रल सरफेस दिखाई देनी चाहिए। इनफ्लोरोसेंस को इस तरह से स्प्रेड करना होता है जिससे कि उसके इंटरनल डिटेल हमें दिखाई दे सके। अगर कोई स्पेसिमेन लॉन्ग है तो उसे वी, एम, एन और डब्ल्यू की शेप में फोल्ड करना होता है। जो शीट जिस पर हम प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करने के लिए लगा रहे हैं, यानी कि कोई भी ब्लॉटर, ब्लॉटिंग पेपर, उसमें आपको कलेक्शन नंबर लिखना होता है जो हमने कलेक्शन के वक्त हमारी फील्ड डायरी में नोट किया था, वही कलेक्शन नंबर यहाँ पर मेंशन करना होता है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राइंग। बेस्ट वे जो स्पेसिमेन ड्राइंग का है वह सन ड्राइंग है, मगर आर्टिफिशियल ड्राइंग का भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए हीटर और रेडिएटर का यूज़ किया जाता है। एवरी 24 आवर में ब्लॉटर चेंज करना होता है। 3 to 4 days में फर्स्ट 24 आवर में ब्लॉटर चेंज करना है 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद आप 2 to 3 days में ब्लॉटर चेंज कर सकते हैं। ब्लॉटर चेंज करना डिपेंड करेगा प्लांट मटेरियल पर। अगर प्लांट सिकुलेंट है या मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा है तो ब्लॉटर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने होते हैं, और इन ब्लॉटर्स को रीयूज़ भी किया जा सकता है। ड्राइंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है माउंटिंग। जब प्लांट स्पेसिमेन ड्राई हो जाता है तो हर्बेरियम शीट पर उसे माउंट किया जाता है। हर्बेरियम शीट का साइज़ जो हमने पहले बताया 11.5 x 16.5 inches का होता है, और ये हैंडमेड शीट होती है। इन शीट्स का pH 7 होता है जिससे कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन प्लांट के साथ में ना कर सके। प्लांट स्पेसिमेन को माउंटिंग के टाइम पर पॉइजन किया जाता है HgCl2 और C2H5OH से, जिससे कि फंजाई और इंसेक्ट के इन्फेक्शन को रोका जा सके। फिलहाल HgCl2 के को यूज़ ना करके लॉरियल पेंटाक्लोरोफिनेट LPCP का यूज़ किया जाता है। माउंटिंग में प्लांट स्पेसिमेन को स्ट्रैपिंग या ग्लूइंग से हर्बेरियम शीट पर अटैच किया जाता है। स्ट्रैपिंग में लिनन और कॉटन थ्रेड का यूज़ किया जाता है जिससे थ्रेड से स्पेसिमेन को
हर्बेरियम शीट पर बांध दिया जाता है। ग्लूइंग में वाटर वेस्ड वुड एडहेसिव यूज़ करते हैं। इस एडहेसिव से प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पर पेस्ट किया जाता है। माउंटिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप लेबलिंग का आता है। लेबलिंग में प्लांट स्पेसिमेन की राइट साइड पर यानी कि हर्बेरियम शीट की राइट साइड पर एक लेबल अटैच करना होता है 6.5 × 10.5 सेंटीमीटर का, जिसमें उस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है, जैसे टैक्सोनॉमिक डिनोमिनेशन यानी कि वह प्लांट किस फैमिली का है, का जीनस क्या है और उसकी स्पीसीज क्या है, साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम, फिर उसका लोकेशन और हैबिट मेंशन किया जाता है, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर एंड द कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर वही है जो फील्ड डायरी में नोट किया था। उसके बाद प्लांट से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन को इसमें लिखा जाता है। लेबलिंग के बाद में इन हर्बेरियम सीड्स का अरेंजमेंट और स्टोरेज किया जाता है। हर्बेरियम शीट के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को फाइलिंग कहते हैं। एक स्पेसीज़ की हर्बेरियम शीट को फोल्डर के कवर में रखा जाता है। किसी भी फोल्डर में रखा जाता है। एक स्पेसीज़ का फोल्डर बनाया जाता है जिसमें उस स्पेसीज के जितने भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किए हैं उन सभी को रखते हैं। फिर इस स्पेसीज के फोल्डर को जीनस के फोल्डर में या जीनस के कवर में रखा जाता है। जिस भी जीनस को ये स्पेसीज बिलोंग करती हैं उसका फोल्डर बनाया जाता है। उस फोल्डर में जीनस का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है और उन स्पेसीज के फोल्डर को जीनस के कवर में रखा जाता है। इन जीनस के कवर को फैमिली के फोल्डर में रखा जाता है जिस भी फैमिली को ये जीनस बिलोंग करते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट बेंथम एंड हुकर या एंगलर प्लांटर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। स्टोरेज एंड अरेंजमेंट के बाद में आता है प्रिजर्वेशन और फ्यूमिगेशन। प्लांट स्पेसिमेंट्स को इंसेक्ट और फंजाई से बचाने के लिए हर्बेरियम का फ्यूमिगेशन किया जाता है। किसी भी रिपेलेंट का यूज़ करके इसमें नेफ्थलीन बॉल्स और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। नेफ्थलीन बॉल्स या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का यूज़ किया जाता है रिप्लेंट की तरह से, और फ्यूमिगेशन के लिए इथाइलीन डाइक्लोरो और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम टैक्सोनॉमिक रिसर्च में हेल्पफुल रहता है। प्लांट स्पेसिमेंस के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के एस्टिमेशन में हेल्प किया करता है। टैक्सोनॉमी बढ़ाने के लिए यूज़फुल होता है। बहुत सारे प्लांट जो रेयर और एंडेंजर्ड कंडीशन में हैं उनका कलेक्शन हर्बेरियम में होता है। तो अगर आप उन प्लांट्स को फील्ड में नहीं आपको देखने को मिलते तो आप हर्बेरियम में जाकर उन प्लांट्स को देख सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन के
लिए भी प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। ये वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट हर्बेरिया हैं जिसमें रॉयल बॉटानिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो पेरिस में प्रेजेंट है। थर्ड है हर्बेरियम ऑफ बॉटनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस। फोर्थ है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन। ये कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरिया हैं वर्ल्ड के। थैंक यू।